बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो में आपको मैंने जो चैप्टर पढ़ाया है अभी हेल्पिंग ईच अदर ईवीएस का लेसन 9 उसके पेज नंबर 38 पे चैप्टर जहाँ ख़त्म होता है ओपन योर माइंड ब्लॉक, ठीक है, तो मैंने आज आपको व्हाट्सएप पे डाला भी है, एक बार मैं उसी को आज समझाऊंगा। बस देखिए, पहला जो है उसमें चार स्टेटमेंट है और वो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको दो पिक्चर्स बनाने होते हैं, एक में स्माइलिंग होता है और एक में दुखी वाला होता है, सैड वाला होता है, उदास वाला। इसी सारे स्टेटमेंट के आगे में रिंग बनाए हुए हैं, उनमें आपको सिर्फ आइज का डॉट बनाना होता है, माउथ का नीचे अगर से अगर कर्व लेंगे तो स्माइली हो जाएगा, ऊपर से लेंगे तो वो सैड ऑप्शन हो जाएगा। पहला है, डू यू टेक केयर ऑफ गेस्ट, क्या आप अपने अतिथियों का ख्याल रखते हैं, तो मैंने इसको स्माइली बनाया है, मैंने आपको फोटो में दिखा भेजा भी है, उसका जो नीचे का मुँह है वो ऐसे है, दैट मीन स्माइली, मतलब वो करता है या करती है वो। दूसरा, डू यू हेल्प योर मदर इन किचन, क्या आप अपने माँ का रसोई घर में मदद करते हैं, मैंने फिर भी स्माइली बनाया है, बिल्कुल, मैंने फिर नीचे से ऐसे कर्व टाइप से मैंने उसका माउथ का फिगर बनाया है। थर्ड है, डू यू पैक योर बैग, क्या आप अपना बस्ता खुद से पैक करते हैं, तैयार करते हैं, तो मैंने इसमें भी स्माइली बनाया है, क्योंकि बैग जो है वो बच्चों जो भी पढ़ने वाले हैं वो सभी अपने घर में लगभग अपना बैग खुद रूटीन देख के तैयार करते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे बड़े स्मार्ट हो गए। चौथा है, डू स्टडी ऑन योर ओन, क्या आप अपने खुद से पढ़ते हैं, नहीं, मैंने इसमें स्माइली नहीं बनाया है, क्योंकि या तो अपने घर पे होम ट्यूटर आते होंगे, फिर पापा मम्मी भी आपकी मदद करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको घर पे जाने के बाद आपको लगता होगा स्कूल में पढ़ाई हुआ है लेकिन शायद आप भूल गए हैं, इसलिए आपको पापा या मम्मी या फिर होम ट्यूटर की मदद की ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने इसमें स्माइली नहीं बनाया। अब है सात स्टेटमेंट है, उसमें आपको आगे उसके आगे एक लाइन दिया हुआ है, आपको उसमें ये तय करना है कि ये करता कौन है आपके घर में, वो हु डज द फॉलोइंग वर्क इन योर हाउस, कि आपके घर में ये काम करता कौन है। पहला स्टेटमेंट है, सर्व्स वाटर टू द गेस्ट, जब आपके घर में कोई मिलने जुलने वाले आपके यहाँ कोई अतिथि आते हैं उनको पानी कौन देता है, मी, आप खुद देते हैं, कोई गेस्ट आ गया पानी देना है ट्रे में पानी डाल दिया गया आप जाके दे आते हैं। अमूमन घर में बच्चे ऐसा काम करने में बड़ा अच्छा महसूस करते हैं और लोग उनको ऐसा करने के लिए कहते भी हैं। दूसरा है, कुक फूड्स, खाना कौन पकाता है, कहने की भी बात है, मदर मम्मी, मतलब मम्मी माँ। थर्ड है, टेक्स यू टू स्कूल, आपको विद्यालय लेके कौन जाते हैं, तो मैंने भरा है ग्रैंडफादर, दादाजी, ऐसे आपकी जो इच्छा, पापा मम्मी अंकल आंट जिसका भी आप नाम भरना चाहे वो आपके ऊपर है। चौथा है, टेल्स यू स्टोरीज, आपको कहानियाँ कौन सुनाता है, तो मैंने भरा है ग्रैंड मदर, दादी माँ, ठीक है। अब पांचवा है, ब्रिंग्स थिंग ऑफ डेली यूज फ्रॉम द मार्केट, मतलब रोज़ाना के इस्तेमाल की चीज़ों को बाज़ार से कौन लेके आता है, बहुत सिंपल आंसर है, फादर, पिताजी लेके आते हैं, मैंने चैप्टर में आपको पढ़ाया भी है ये बात। छठा है, वाटर वाटर्स द प्लांट, पौधों में पानी कौन देता है, मैंने मदर लिखा है, माँ। सातवा है, हेल्प यू विथ योर होमवर्क, आपको आपके गृह कार्य में कौन मदद करता है, तो मैंने लिखा है फादर, पिता, वो हमें हम स्कूल में मिला हुआ काम में हमारी मदद करने में हमारी मदद करते हैं। और सी में है, राइट थ्री थिंग्स दैट यू डू विथ योर फैमिली, कि आप तीन ऐसे बातों को बताएं जो आप अपने परिवार के साथ करते हैं, ऐसे तो करते तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन आपको उसमें से कोई भी आप अपने पसंद के हिसाब से आप तीन का नाम आपको लिखना है, तो मैंने तीन अपने पसंद से लिखा है, आप अपने पसंद से इसको बदल भी सकते हैं, आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं जो आप परिवार के लोगों के साथ करते हैं।
मैंने लिखा है आई टेक मील विथ माई फैमिली, मैं खाना अपने परिवार के साथ खाती हूँ या खाता हूँ, लड़की है तो खाती हूँ, लड़का है तो खाता हूँ। मैं क्या लिखूँगा कि मैं अपने परिवार के साथ खाना खाता हूँ। नेक्स्ट है आई वॉच टेलीविज़न विथ माई फैमिली, मैं अपने परिवार के लोगों के साथ टेलीविज़न देखता हूँ। अब है आई सेलिब्रेट फेस्टिवल विथ माई फैमिली, मैं अपने परिवार के साथ त्यौहार मनाता हूँ। ठीक है, तो ये तो थे आपका सी ब्लॉक। अब लास्ट में है फन टाइम, मस्ती का समय। इसमें क्या है, कंप्लीट द इंफॉर्मेशन अबाउट योर फैमिली। ठीक है, कंप्लीट द इंफॉर्मेशन अबाउट योर फैमिली मतलब आप अपने परिवार के बारे में जानकारी इसमें दें। राइट द डेट्स ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल डेज, कि उन विशेष दिनों के तारीख को आप लिखें, जैसे कि बर्थडे, जन्मदिन, तो आपके दादाजी का जन्मदिन कब है, ग्रैंडफादर वो लिखें आप, फादर, फिर ग्रैंडमदर टू में है, दादी का जन्मदिन कब है उसमें आप लिखें, फिर थ्री में है फादर, फादर का बर्थडे कब है वो लिखिए, डेट मंथ्स ईयर, फिर मदर, मदर का बर्थडे किस तारीख को है वो तारीख लिखिए आप, डेट और मंथ, फिर ब्रदर भाई का, फिर सिस्टर बहन का, सबका डेट ऑफ बर्थ आपको, बर्थडे कब है लिखना है। मान लीजिए मेरा 15 सितंबर तो मैं लिखूँगा 15 सितंबर, आपका 1 जुलाई तो आप क्या लिखेंगे 1 जुलाई, ऐसे लिखेंगे। और उसके नीचे में वेडिंग एनिवर्सरी, शादी की सालगिरह, तो ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स, दादा दादी की शादी की सालगिरह कब है वो आपको डेट भरना है उसमें, और पेरेंट्स माता पिता के शादी की सालगिरह कब है वो आपको भरना है उसमें। ठीक है, तो आप में से बहुत बच्चों ने तो पहले से ही व्हाट्सएप पे डाल दिया है, लर्न कर लेंगे, बहुत आसान है, इसमें तो कुछ है नहीं। और कल मैं आपको लेसन नंबर 10 भी पढ़ाने वाला हूँ, अपने स्कूल एक बार आप रिवीजन करके रखेंगे, आपको कल आसानी होगी। तो आपसे फिर कल मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।